हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के व्लॉग में हम खारगा लोकेलिटी घूमने वाले हैं। खारगा हम ऑलरेडी घूम चुके हैं एक बार, जिसमें मैंने आपको गणपति भगवान का एक टेंपल घुमाया था, और उसके साथ हम 19 सेक्टर 19 से 21 तक हम घूमे थे। आज जो है सेक्टर 1 से 10 तक हम घूमने वाले हैं। खारगा स्टेशन भी हम बाहर से देखने वाले हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल रेजिडेंशियल लोकेलिटी, इसीलिए मैंने सोचा और एक व्लॉग यहाँ का एक बना देता हूँ। और उसके साथ मैं आपको पनवेल सायन एक्सप्रेस वे भी दिखाने वाला हूँ। गाइस, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, इस वक्त हम है खारगा स्टेशन के सामने बिल्कुल, और ये सामने जो हमें दिखाई दे रहा है ये खारगा स्टेशन ही है। और मैंने यहाँ पे जूस पीने के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ था, और जो है यहाँ पे रिक्शा स्टैंड भी हमें दिख रहा है। और आज जो है हम खारगर घूमने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले, और यहाँ से जो लेफ्ट में रास्ता दिख रहा है अंडरग्राउंड रास्ता, ये है सायन पनवेल एक्सप्रेस वे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे भी है वो। तो यहाँ से जो है अभी हमें बस स्टॉप भी दिखने वाला है राइट साइड में, और यहाँ से हम एकदम सीधा सीधा जाएंगे। आज जो है हम सेक्टर 1 से लगभग 10 तक घूमने वाले हैं। सामने है बस स्टॉप, तो हमने रेलवे स्टेशन भी देख लिया, बस स्टॉप भी देख लिया, और यहाँ से जो है हाईवे लेफ्ट साइड से ही रास्ता जाता है, और यहाँ से हमें जो है ऊपर जो है रेलवे की जो ये ब्रिज जो है पब्लिक के लिए जो रहती है, ये भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ से। और कुछ यहाँ पे पार्किंग भी की हुई है गाड़ियाँ, तो यहाँ से जो है देखिए कितना अच्छे है यहाँ के रास्ते। सबसे अच्छे में अच्छा जो है रेजिडेंशियल लोकेलिटी जो है नवी मुंबई का, बड़े में बड़ा रेजिडेंशियल लोकेलिटी खारगर ही है, जहाँ पे काफ़ी रेजिडेंशियल जो है, अभी हम उसी के लिए जो है आज हम घूमने वाले हैं। जो यहाँ की जो अच्छी रेजिडेंशियल लोकेलिटी है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो है अभी जैसे बेलापुर है, इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग बेलापुर पे आने वाला है। बेलापुर जो है छोटा एरिया है थोड़ा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया है, और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है, वेल डेवलप सिटी है काफ़ी जो है। पहले भी हम वैसे तो नवी मुंबई तो हम अब तक काफ़ी घूम चुके हैं, एरोली है, जैसे कोपर खेड़ने, वाशी है, नेरुल भी हम घूमे हैं, कालमबोली, कामोठे, पनवेल, न्यू पनवेल, लगभग हम सब घूम चुके हैं। और इसके बाद जो है खारगर का ये दूसरा व्लॉग मैं बना रहा हूँ। लास्ट टाइम जो है हम सेक्टर 19 से लगभग 21 तक हम घूमे थे, और मेन जो है वहाँ पर हमने खारगर चा राजा गणपति मंदिर हम घूमे थे। तो जो है आज जो है हम सिर्फ रेजिडेंशियल लोकेलिटी घूमने वाले हैं, और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो है बेलापुर का आने वाला है, और उसके बाद जो है इसके बाद बेलापुर का एक व्लॉग आएगा, और जो है उसके बाद जो है लगभग नवी मुंबई का हमारा बाइक राइड पूरा हो चुका है, और उसके बाद कुछ खास प्लेस रहेगी तो मैं उसका व्लॉग बनाऊँगा, नहीं तो हम नवी मुंबई जो है पूरी बाइक पर घूम चुके हैं वन बाय वन करके। और उसके अलावा जो है बाइक राइड के अलग अलग व्लॉग्स हैं, तो इसके जो है बेलापुर का जो है मैं आपको सीबीडी बेलापुर में एक वहाँ पे पारसिक हिल टेम्पल्स है, खारगर में भी हिल्स है वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है। और यहाँ से देखिए रेजिडेंशियल लोकेलिटी हमें काफ़ी अच्छी दिख रही है, और यहाँ से जो है यहाँ पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस हम सब कुछ देखने वाले हैं, और यहाँ पर एक मॉल भी दिखने वाला है आगे से हमें। और ये पूरा जो है देखिए कैसे पूरा ग्रीनरी से एरिया जो है अच्छा हरा भरा एरिया है, और यहाँ से रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और खारगर में जो है हम एक गुरुद्वारे का भी व्लॉग बना चुके हैं, गुरुद्वारा दर्शन कर चुके हैं हम, वहाँ पे माथा टेक चुके हैं, उसका मेरा जो व्लॉग है वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको टेम्पल व्लॉग्स में मिल जाएगा। और खारगर में वैसे जो गुरुद्वारा है वो मैंने उसमें एड्रेस डिस्क्रिप्शन में बता दिया है मैंने, और टाटा हॉस्पिटल का भी एक ब्रांच है वहाँ पे खारगर में, टाटा हॉस्पिटल की भी एक है, टाटा हॉस्पिटल ही है, एक परेल में ब्रांच है, एक यहाँ पे ब्रांच है, वो गुरुद्वारा के जो बाजू में ही है, मतलब गुरुद्वारे का लैंडमार्क है वो। तो खैर ठीक है वो सब तो, और बाकी जो है हम यहाँ से एक ले लेते हैं लेफ्ट, यहाँ तो सीधा ही जाके देखते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से जो है राइट साइड में रेलवे लाइन भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ से। और जो है यहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रैफिक का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से ही हम एक ले लेते हैं लेफ्ट, और ये रास्ता वहाँ पे ही कनेक्ट होगा जो हम सीधा सीधा रास्ता हम जा रहे थे,
तो थोड़ा मैंने सोचा आपको अंदर अंदर के रोड्स भी घुमा देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे जो लेफ्ट में हमें दिखाई दे रहा है वो एक मॉल है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम उसका भी झलक देखते हुए जाएंगे। और उसके बाद वापस सीधा जो है हमें वापस जो है हाईवे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम वापस राइट लेके हम सेम रास्ता पकड़ लेंगे और यहाँ से ही हमें जो है लेफ्ट साइड में मॉल भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे है KFC दिख रहा है, यहाँ से बर्गर किंग और पूरा मॉल ही बना हुआ है। तो यहाँ पे नवी मुंबई में जो है मॉल्स है लगभग काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और उसके अलावा जो है वैसे तो हर हर एक नवी मुंबई की जो भी लोकेलिटी हम घूमें हर एक जगह पे मॉल है ही है वैसे तो, और बाकी सब तो उसमें जो है इसमें भी अवेलेबल रहता है सब, गूगल पे भी बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही है। तो यहाँ से जो है सामने हमें वापस से हाईवे दिख रहा है, लेकिन हम हाईवे की तरफ नहीं जाएंगे, हम यहाँ से राइट लेके हम सीधा रास्ता जाएंगे और मैं आपको दो तीन रोड्स दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से देखिए सामने हमें मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे दिख रहा है, पूरा जो है एक फ्लाईओवर भी बना हुआ है। और यहाँ से हम जो है सीधा ही जाने वाले हैं वापस, मतलब पूरा सीधा सीधा एंड तक जाएंगे हम जहाँ तक रास्ता जा रहा है, और फिर वापस हम ये हाईवे पे ही कनेक्ट हो जाएंगे। और हाईवे के नीचे से क्रॉस होके मैं जो वापस सामने की लाइन में जो खारघर जब जो हम लास्ट टाइम जो सेक्टर घूमे थे थोड़ा सा वहाँ का भी मैं आपको एक जाते हुए दिखाने वाला हूँ, और वहाँ का भी एक एरिया दिखाने वाला हूँ। क्रॉस करेंगे हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे को, और देखिए काफ़ी ग्रीनरी जो है यहाँ पे मेन तो अच्छा ये लगता है कि ग्रीनरी भी है। डेवलप लोकेलिटी या डेवलपिंग लोकेलिटी में हमें यही फ़ायदा रहता है कि ग्रीनरी काफ़ी मेंटेन किया हुआ रहता है। अब देख रहे बीच में भी पेड़ है, साइड में से भी पेड़ है, और इतनी सारी कॉम्प्लेक्सेस होने के बाद इतनी बिल्डिंग्स बनने के बाद भी पेड़ों की कोई कमी नहीं है, ट्रीज़ की कोई कमी नहीं है, जिसके वजह से हमारा एटमॉस्फियर भी काफ़ी अच्छा रहता है, जो यहाँ की हवा है वातावरण है वो भी काफ़ी अच्छा है। और कहीं नहीं कहीं ये सब क्लाइमेट के लिए भी अच्छा ही है, और रास्ते बड़े हैं खुलासे हैं काफ़ी, और जो है यहाँ पे साइड में से पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है अब तक। लेकिन जो है हमें जो है एक शॉप्स वगैरह नहीं देखे अभी तक हमें, लेकिन आगे शॉप्स भी है वैसे, और बिल्डिंग्स के नीचे ही शॉप्स है जो बड़ी बिल्डिंग्स आगे हमें दिखाई देने वाली है। और जो है मैं आपको और अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्सेस दिखाने वाला हूँ अंदर तक हम जाने वाले हैं। और यहाँ से जो है एक हमें यहाँ से लेफ्ट रास्ता भी दिखाई दे रहा है, हाईवे भी दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से एक राइट लेने वाले हैं। यहाँ पे जो है अंदर से पूरा एक चक्कर लगाएंगे, पूरी कॉम्प्लेक्सेस के हम नज़ारे देखेंगे जो है आज। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे हर न्यू ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखिए, आपको सब कैटेगरी वाइज मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं आपको सब मिलेंगे उसमें। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, अच्छी अच्छी टावर्स भी दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी है वैसे, मेन चौक पे स्पीड ब्रेकर रहता ही है थोड़ा। और हमें यहाँ से शॉप्स भी दिख रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे मतलब जो है कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये जो है एक मुझे एक रिपीट व्लॉग बनाने को, वैसे तो मैंने लास्ट टाइम के व्लॉग में ही जो हम खारघर घूमे थे उस व्लॉग में ही मैंने खारघर की लोकेलिटी भी आपको दिखाई थी मंदिर के साथ साथ, लेकिन ये लोकेलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देखिए यहाँ पे साइड में बैठने की भी जगह है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग यहाँ का और एक बना देता हूँ, मतलब अभी मेरे खारघर के दो व्लॉग हैं। और इसके बाद जो है बाकी तो हम सब कुछ तो कवर नहीं करने वाले हैं, सब कुछ तो कवर कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जितना मैक्सिमम हो पा रहा है मैं आपको बाइक पे घूमते घूमते आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सामने कितनी बिल्डिंग्स बन रही है, अभी ऐसा लग रहा है कुछ तो बन भी रही है नहीं। और जो है जितनी देर से हम घूम रहे हैं उतनी देर से हमें अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है और सिग्नल का भी कुछ खास ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो है मतलब यहाँ पे रास्ते ही काफ़ी बड़े हैं और पब्लिक भी लिमिटेड है, वैसे पब्लिक रहेगी लेकिन बाहर रास्तों पे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो जो है काफ़ी और प्लेन रास्ते हैं और सफाई भी काफ़ी है, प्लेन रास्तों की वजह से जो है हमारी बाइक भी प्रॉपर चल रही है और मैं आपको ब्लॉग भी अच्छी तरह से आराम से दिखा पा रहा हूँ।
बस अब हम यहाँ से जो है एक सीधा जाके एक राइट टर्न ले लूँगा मैं आगे से, एक यहाँ से भी हम एक राइट टर्न लेके देखते हैं, और फिर जो है बस लगभग हमारा जो ब्लॉग है ये यहाँ ये एरिया का भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद फिर हम हाईवे क्रॉस करके हम सामने जाने वाले, तो जो है कुछ छोटे रास्ते भी है, कुछ बड़े भी है, कुछ अंदर अंदर एरिया हैं, कुछ रास्ते सेम हमें जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से ही हमें वापस गोल घूम के हम वहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में कार की पार्किंग भी रहती है, तो यहाँ पे भी है कुछ शॉप्स है, और ज़्यादा जो है ये रेजिडेंशियल लोकेलिटी है, कमर्शियल लोकेलिटी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, और इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो हाईवे से हाईवे पे ही रहती है, लेकिन ये एरिया मेन रेजिडेंशियल लोकेलिटी के हिसाब से ही है। और हमने ले लिया है यहाँ से वापस एक टर्न, और जो है यहाँ से वापस मैं आपको थोड़ा सा सेम रास्ते से ही दिखा के फिर हम एक राइट लेके जो है आज का ब्लॉग जो है आधा हो चुका है हमारा घूम के। बस ये जो है लास्ट रास्ता है, सामने जियोन लिखा हुआ है, और ये सामने जो कॉम्प्लेक्स है ये कुछ कांच का बना हुआ है, पूरा ही कांच का लग रहा है बाहर से जो है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये भी मैंने सोचा था यहाँ से एक एक हम लास्ट जो है राउंड लेके फिर जो है आगे से हम निकल जाएंगे, और यहाँ से कुछ विलेज भी कनेक्टेड है, लेकिन अभी देखते हैं हम आगे से एक टर्न लेके आगे से कौन सा रास्ता जा रहा है। पानी पानी लग रहा है अभी, वो कुछ पनवेल क्रीक भी है यहाँ पे कुछ, लेकिन उसका कुछ आइडिया नहीं है वो कहाँ कहाँ से पास होता है, लेकिन एक है पनवेल क्रीक भी है। तो अभी हम एक यहाँ से ही वापस हम अंदर से घूम चुके हैं, और यहाँ से ही हम बाहर निकल के फिर अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं वापस। ये वही रास्ता है जो हम पहले घूम चुके थे, सेम हम गोल एक राउंड लगा के फिर से आए हैं, तो मैं हम जो है ये रास्ता आज 2 बार देख चुके हैं। बस अभी हमें यहाँ से सीधा जाना है, पहले हमने राइट लिया था जो मैंने आपको कांच वाली बिल्डिंग दिखाई, और अभी हम यहाँ से सीधा निकल के फिर हम एक जो है विलेज तो नहीं है लेकिन एक छोटा रास्ता है वहाँ से ही हम हाईवे के यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ से जो है राइट में से एक छोटा रास्ता निकलेगा, लेफ्ट साइड में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो विलेज की तरह है या पता नहीं क्या है, ठीक है जो भी है। तो यहाँ से जो है राइट हमने टर्न ले लिया है, यहाँ से अभी जो है यहाँ से हाईवे आ जाएगा।
यहाँ से हम वापस हाईवे आ चुके हैं, मतलब हम जो है आज खारघर सेक्टर 1 से लगभग 10 तक हम स्टेशन से जो शुरू किया था हम घूम चुके हैं। और ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और यहाँ से जो है हम थोड़ा सा सीधा जाके फिर राइट में से अंडरग्राउंड रास्ता क्रॉस करके हम उस तरफ चले जाएंगे। और थोड़ा सा मैं उस तरफ का भी आपको दिखाने वाला हूँ जो खारघर हम पिछले टाइम हम घूमे थे। यहाँ से सीधा सीधा ही रास्ता है और हमें लेना है अंदर से राइट टर्न एक। यहाँ से हम एक ले लेते हैं राइट, तो इस तरह से जो है हमारा हाईवे क्रॉस हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये फ्लाईओवर के नीचे से ही हम क्रॉस करके यहाँ से भी खारघर आता है। तो यहाँ से जो हम पिछले टाइम घूमे थे सेक्टर 19 से 20-21, और भी अंदर से रास्ते जाते हैं जहाँ से सेक्टर और भी से कुछ सेक्टर्स निकलते हैं, यहाँ से भी जो है खारघर ही है। मतलब दोनों बाजू हाईवे के दोनों बाजू खारघर बना हुआ है। हम यहाँ पे भी मैंने आपको थोड़ा सा जो है ये ब्रिज हम लास्ट टाइम हम दिखाया था मैंने आपको, तो थोड़ा सा यहाँ से एक राउंड लगा लेते हैं और फिर यहाँ से ही टर्न लेके फिर वापस जो है ब्लॉग ब्लॉग आज का एंड होने वाला है। तो आज का ब्लॉग जो है यहाँ तक ही है।